Hello everyone. Namaste all of you. My name is Varsha Arogha and today we are going to begin modern history of India. The topic of today is 1857 revolt. But better say, aaj ki hamari story hai 1857 revolt. So just relax, put your pen and paper aside and just listen to me. On 10th of May 1857, a very important date, a group of Indian soldiers went towards Meerut. हमारे कुछ इंडियन सोल्जर्स मेरठ की तरफ गए. वहां पर इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स से, पुलिसमैन से फाइट किया और अपने फेलो सोल्जर्स को जेल से निकाला. अराउंड 85 सोल्जर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सर्विस से डिसमिस कर दिए थे और उन्हें 10 इयर्स का पनिशमेंट दिया. हमारे सोल्जर्स ने ना उन फेलो सोल्जर्स को रिलीज किया जेल से, अपने उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, उन्होंने उनकी बिल्डिंग्स, उनकी प्रॉपर्टीज बर्न कर ली, उनके आर्म्स और एमिनेशन, उनके वेपन्स कैप्चर करे, साथ ही ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन था टेलीग्राफ, उसको भी कट कर दिया. एज इफ दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज एंड दे वांटेड टू एंड द ब्रिटिश रूल ऑन द डे इटसेल्फ. मारो फिरंगी को स्लोगन बन गया 1857 रिवॉल्ट का. पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिशर्स नहीं, तो कौन रूल करेगा इंडिया पे? कौन रूल करेगा हमारे लैंड पे? ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन था, है ना? और इसका आंसर भी हमारे सोल्जर्स के पास था, द देन मुगल एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह सफर. सो आवर सोल्जर्स रोड फ्रॉम मेरठ टुवर्ड्स दिल्ली, which was 58 kilometer away from the Meerut, and in the early morning on 11th May 1857, they reached to Bahadur Shah Zafar and they insisted him to be the emperor of the land. Bahadur Shah Zafar initially hesitant the, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत ही old हूँ, मैं बहुत ही frail हूँ, I can't lead the rebellion. But finally, he accepted the offer and he was declared as the emperor of the land by the rebellion. So, was it a happy ending? हमने अपने चॉइस का राजा बना दिया, हमने ब्रिटिश ऑफिसर्स को हरा दिया, तो it must be a happy ending, right? No. इसका एंड रिजल्ट जानने से पहले हम पहले इसके reasons जानेंगे कि सबसे पहले 1857 revolt हुआ ही क्यों? What were the reasons behind that? And what were the ultimate consequences of the 1857 revolt? So let's first start the reasons behind 1857 revolt. First is political cause, right? सबसे पहले आप जानकर बहुत सरप्राइज होते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 200 years तक रूल किया. 200 years is a big time, है ना? कितना ज्यादा बड़े ड्यूरेशन तक वो हम पर रूल कर पाए. तो इसका एक रीजन ये भी था कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड थे, है ना? अगर उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना होता था तो वो लैंड सर्वेस करते थे, लैंड स्टडीज करते थे. अगर उन्हें कोई भी बात मनवानी होती थी तो वो अपने अनफेयर डिसीजंस को भी रूल्स और लॉज में कन्वर्ट करके हमसे अपनी बात मनवाते थे. ऐसे ही कुछ डॉक्ट्राइंस, ऐसे ही कुछ लॉज थे, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. ठीक है, फर्स्ट इज सब्सिडरी अलायंस. सो इट वॉज गिवन बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798. Let's understand this with an example. अगर आपने मेरे साथ subsidiary alliance sign करी, आप मेरे ally बन गए, right? अब मेरी responsibility है आपको कोई भी internal और external threat से protect करने की. Like अगर आपको घर में आपकी मामा कुछ भी कह रही है, आपको डांट रही है, या आपकी आपके siblings से लड़ाई हो गई, तो it will be my responsibility to protect you. Likewise, if you happen to fight with your neighbor और आपको कोई भी external threat है, तो again मेरी responsibility है आपको protect करने की. Secondly, मेरा एक political agent आपके घर पे employed रहेगा, जो आपकी निगरानी रखेगा और मुझे आपकी सारी information देगा कि आप मेरा subject पढ़ रहे हैं या नहीं, आप मेरी बात मानते हैं या नहीं, right? Third is, उस पॉलिटिकल एजेंट के लिए जितने रिसोर्सेस लगेंगे, उनकी ड्रेस, उनका फूड, उनके बेसिक नीड्स, सारा खर्चा, सारे रिसोर्सेस आपको देने होंगे. फोर्थ,
अगर आपको किसी से एग्रीमेंट करना है, किसी से फ्रेंडशिप करनी है या किसी से फाइट करना है, राइट, तो दोनों ही कंडीशन में आपको मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, राइट? इट मींस टोटल स्लेवरी, है ना? तो ऐसे अगर हम ब्रिटिशर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर आप कोई ब्रिटिश अलाय है कोई स्टेट, तो सबसे पहले उसको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से, अगर उनपे कोई भी अटैक होता है फ्रॉम विद इन इंडिया, विद इन स्टेट और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो ब्रिटिशर्स उनकी हेल्प करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। सेकेंड इज उनकी टेरिटरी में, उस अलाय की टेरिटरी में ब्रिटिश अपनी एक आर्मी यूनिट रखेंगे, ठीक है, जो ऑल टाइम उनको सुपरवाइज करेगी। थर्ड, उस आर्मी का सारे रिसोर्सेस, सारा एक्सपेंडिचर उस अलाई को देना होगा, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी ड्रेस, उनकी ट्रेनिंग का खर्चा सारा उस अलाई का होगा। फोर्थ, अगर उस अलाई को किसी से फ्रेंडशिप ट्रीटी करनी है या किसी से फाइट करना है, बैटल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी होगी ब्रिटिशर्स। सेकेंड सिस्टम इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज आर्टिकुलेटेड इन 1834, राइट, बट इट वॉज गिवन बाय डलाउजी, यूज बाय डलाउजी इन 1848, ठीक है, आया था 1834 में, पर एक्सटेंसिवली यूज किया डलाउजी ने। और ऑन द अदर हैंड, सब्सिडरी अलायंस तो दिया ही लॉर्ड वेलेस्ली ने था, ये बात हमें याद रखना है ना। डलाउजी ने सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यूज कर रहा है, लाइक डीमोनेटाइजेशन। जब भी डीमोनेटाइजेशन वर्ड आता है, तो हमारे अंदर पीएम मोदी का नाम आता है, राइट, बिकॉज ही यूज्ड इट एक्सटेंसिवली बाय डीमोनेटाइजिंग नोट्स ऑफ 1,000 and 500 rupees। लाइकवाइज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को डलाउजी ने इतना ज्यादा यूज करा कि जब भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आएगा, वी विल टेक द नेम ऑफ डलाउजी। सो देयर वर टू रूल्स अंडर दैट। फर्स्ट इज, अगर आप के पास कोई रियल सक्सेसर नहीं है आपके किंगडम का, तो आपका किंगडम चला जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। सेकेंडली, अगर आप कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, है ना, अगर आपके पास डिजायर्ड स्किल्स नहीं है, डिजायर्ड कैलिबर नहीं है, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, डिजायर्ड स्किल्स, डिजायर्ड कैलिबर, किंगडम को चलाने के लिए अगर आपके पास डिजायर्ड स्किल्स नहीं है, तो आपका किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगी। तो दोनों ही रूल्स बहुत ही अनफेयर है। अगर किसी के पास रियल सन नहीं है, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, और उन्होंने अडॉप्ट किया सन, तो उसको सक्सेसर नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगेन, वेरी अनफेयर सिस्टम। दीज टू डॉक्ट्राइन्स क्रिएटेड ग्रीवेंसेस इन मेनी फॉर्म्स, है ना। डलाउजी एनेक्स्ड सो मेनी एरियाज अंडर दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट, मेनली 8 states, सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, उदयपुर, बाहट, संबलपुर, अवध, ये सारे स्टेट्स उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स किए। अवध वॉज द लास्ट एंड 8th state टू बी एनेक्स्ड बाय डलहौजी, प्लीज रिमेम्बर दैट, आई हैव रिटन इट इन द लास्ट, ओके। लाइकवाइज रानी लक्ष्मीबाई तो आपने सुना ही है, राइट, ना, रानी लक्ष्मीबाई की भी स्टोरी यहाँ पर ही स्टार्ट होती है। क्या हुआ, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद शी वांटेड हर अडॉप्टेड सन टू बी द सक्सेसर ऑफ द किंगडम, जो वाज डिनाइड बाय ब्रिटिशर्स कि नहीं, हम तो आपके अडॉप्टेड सन को नहीं सक्सेसर कंसीडर करेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सेकेंड इज नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, ही सेड दैट इवन नॉट किंगडम, हम मुझे किंगडम ना भी दो तो आप मुझे पेंशन तो दे ही सकते हो, राइट, तो पेंशन के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। साथ ही उन्होंने मुगल रूलर्स थे उनके नेम्स कॉइन से हटा दिए, और बोला कि बहादुर शाह जफर के बाद जो भी नया रूलर आएगा, उसको कॉमन सिटीजन की तरह दिल्ली में रहना पड़ेगा, हम उसको रेड फोर्ट में नहीं रखेंगे, है ना। फिर 1856 में कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर लास्ट किंग होगा मुगल एम्पायर का, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई भी किंग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली जो उधर के नवाब थे, रूलर्स थे, एंड आल्सो स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सेकेंड इज मिलिट्री कॉज। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन सिपाहीज डिससेटिस्फेक्शन विद
पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। अब देखो, अगर आप और मैं एक ही लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, हमारा स्टेटस भी सेम है, हमारा वर्कलोड सेम है, हमारी कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी, मतलब वर्क कंडीशंस भी सेम है, राइट? उसके बाद अगर मुझे पे ज्यादा मिले और आपको कम मिले, या आपको प्रिविलेजेस ज्यादा मिले, इंसेंटिव ज्यादा मिले और मुझे कम मिले, तो डिससैटिस्फेक्शन तो होगा, है ना? एंगर तो होगा, राइट? तो यही प्रॉब्लम थी इंडियन सिपॉयज के साथ भी। जो उनके ब्रिटिश काउंटर पार्ट थे, उनको अच्छी सैलरी, अच्छे इंसेंटिव्स मिल रहे थे, राइट? पर इंडियंस को इंसेंटिव्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस और अलाउंसेस अच्छे नहीं मिल रहे थे। सेकेंड, इंडियन सोल्जर्स रिलक्टेंस टू गो अब्रॉड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले के टाइम में हम अब्रॉड नहीं जाना चाहते थे, हम ओवरसीज नहीं जाना चाहते थे। हमें लगता था अगर हमने सात समंदर पार किए तो हमारा कल्चर, हमारे रिलीजियस वैल्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है? तो 1824 में जब बर्मा वॉर हुआ, एंग्लो बर्मा वॉर, तो उस टाइम भी इंडियन सोल्जर्स ने रिफ्यूज किया, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो लेटर ऑन दे एग्रीड टू गो बाय लैंड रूट। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग पास्ड अ न्यू लॉ कि अब जो भी कंपनी में आएगा उसको एम्प्लॉयमेंट अगर चाहिए, अगर कोई भी कंपनी में आ रहा है तो उसको ओवरसीज जाना ही पड़ेगा अगर रिक्वायरमेंट हो, है ना? और सबसे बड़ी बात थी कि हम अपने कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज तो रिस्क पे रख ही रहे थे, पर साथ में हमें कोई एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं मिल रही थी ओवरसीज जाने के लिए, राइट? तो ये भी एक मेजर इश्यू था। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आर्मीज ऑफ नवाब्स एंड रूलर्स। लाइक आई टोल्ड यू दैट डलहौजी एनेक्स सो मेनी एरियाज। अगर हम किसी एरिया को एनेक्स कर देते हैं, उसको ऑक्यूपाई कर देते हैं, राजा से अपना राज्य ही छीन लेते हैं, तो क्या उसकी आर्मी इंप्लॉयड रहेगी? आर्मी के पास तो कोई काम ही नहीं होगा। वो हमेशा से, अगर मान लो आज भी कुछ कंडीशंस हमारी इकोनॉमी की ऐसी है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, राइट? और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, है ना? तो ऑब्वियसली लोगों के अंदर एंगर और ग्रीफ तो पैदा हो गई, राइट? तो यही हुआ था 1857 रिवॉल्ट में भी। कास्ट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। बेटे, हम तो कास्ट और क्लास में डिफरेंसेस करते ही थे, दलित को अलग मानते थे, राइट? ब्राह्मण्स में अलग मानते थे। इंडियन कम्युनिटी में तो ये डिफरेंसेस स्टार्टिंग से थे, पर ब्रिटिशर्स भी इसे प्रमोट करते थे, वो भी क्लास और कास्ट के बेस पे हमसे अच्छा या बुरा चला करते थे। ऑब्वियसली दे डिस्क्रिमिनेटेड अमंग अस एंड दे गेव प्रिविलेजेस एंड प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास। इकोनॉमिक कॉजेस, फर्स्ट इज हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मैं एक अलग लेक्चर लूंगी, ठीक है? एक फुल फ्लेज्ड लेक्चर लूंगी, और आपको उस टाइम पता चलेगा कि कितना रिजिड मेथड्स से रेवेन्यू कलेक्शन के हमारे प्रेजिडेंट्स, हमारे फार्मर्स की क्यों इतनी बुरी हालत थी ब्रिटिशर्स के टाइम। तो अगर हाई टैक्सेस और हाई रेवेन्यू देना होगा हमें, तो ऑब्वियस है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस तो खराब होंगी, राइट? साथ ही अगर हाई टैक्सेस और हाई रेवेन्यू मुझे पे करने हैं, तो मैं कहीं से लोन लूंगी, और अगर मैं लोन पे नहीं कर पाऊंगी तो मेरा लैंड चला जाएगा, राइट? तो ये प्रॉब्लम पेजेंट्स के साथ भी थी और जमींदार्स के साथ भी थी। जमींदार्स अगर अपना टैक्सेस और टोकन मनी राइट टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लैंड राइट्स ही ऑक्शन कर दिए जाते थे, उनसे अपने लैंड राइट्स ही छीन लिए जाते थे। सो इट वाज सेड दे वर अशेम्ड टू बैग, दे वर अनेबल टू वर्क एंड दे वर कंडेम्ड टू पेनरी, है ना? ना वो भीख मांग सकते थे, वो ना काम कर सकते थे, और उनकी हालत आज के मिडिल क्लास की तरह हो गई। थर्ड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग था, राइट? वी वर प्रोड्यूसिंग फाइन क्वालिटी क्लोथ्स, है ना, विच वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड। हम हैंड वीविंग करते थे और हमारा क्लोथ्स पूरे वर्ल्ड में फेमस था। नॉट ओनली क्लोथ्स, वी वर गुड इन मेनी अदर थिंग्स। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया,
हम तो जो प्रोडक्शन करते थे वो स्मॉल स्केल पे था, ठीक है, हैंड वीविंग किया करते थे अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, पर जब मशीन्स आ जाए तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगता है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमसे फाइन क्वालिटी रॉ मटेरियल लिया और जाके ब्रिटेन में फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करे, एंड दे एक्सपोर्टेड बैक दोस फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया एंड अदर कॉलोनियल वर्ल्ड। सो दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड आवर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इट वॉज सेड बाय कार्ल मार्क्स इन 1853 दैट ब्रिटेन डिस्ट्रॉयड आवर स्पिनिंग व्हील एंड इंडियन हैंडलूम, राइट। फोर, सिपॉयज वर ड्रॉन फ्रॉम पीजेंट्री एंड हेड देयर फैमिलीज इन विलेजेस। पहले क्या एनडीए एग्जाम हुआ करते थे क्या? नो, एनडीए एग्जाम नहीं होते थे, दिल्ली पुलिस एंड सो मेनी पुलिसमैन एग्जाम्स, ये सब नहीं हुआ करता था, राइट। पहले क्या करते थे कि फार्मर्स, जो स्ट्रॉन्ग फार्मर्स होते थे, उनको ही लेकर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको सिपॉयज बना दिया जाता था, सोल्जर्स बना दिया जाता था, राइट। तो क्या हुआ, अब सिपॉयज है ना पीजेंट फॉर्म में भी परेशान थे क्योंकि उनको हाई टैक्सेस, हाई रेवेन्यू सिस्टम देना पड़ता था, उनकी फैमिलीज विलेजेस में रहती थी जिनको इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे थे, है ना। और एज सिपॉय उनको अलग मिलिट्री प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। तो दे वर ट्रबल्ड फ्रॉम द बोथ साइड, वर एक्चुअली पीजेंट इन यूनिफॉर्म। फिफ्थ पॉइंट इज रिडक्शन इन रॉयल पेट्रोनेज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। राजा से जब राज्य छीन लिया गया, उसका पैसा छीन लिया गया है ना, उसकी आर्मी छीन ली गई, तो राजा के राज्य दरबार में आपने सुना होगा कि पहले बहुत आर्टिस्ट हुआ करते थे, सिंगर्स है ना, ऑथर्स, राइटर्स, पेंटर्स, डांसर्स। तो क्या राजा के पास इतना पैसा होगा कि उन स्किल्ड लेबर को वो पैसा दे सके, एम्प्लॉय कर सके? नहीं ना। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने उनका एरिया एनेक्स किया, उनके महल, उनका राज्य छीन लिया, तो ये लेबर भी अनएम्प्लॉयड हो गई। तो इस सेक्शन, जो स्किल्ड सेक्शन था, उसमें भी ग्रीवियंसेस आने लगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और इसने कंट्रीब्यूट करा 1857 रिवॉल्ट में। नाउ सोशियो रिलीजियस कॉजेस। हम बिगनिंग से ही बहुत ज्यादा रिलीजियस रहे हैं, राइट। और ब्रिटिशर्स ने हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो बैन करी। अब इधर आपको हैरानी होगी, जो ब्रिटिशर्स ने करा वो कहीं ना कहीं सही था हमारे कल्चर के लिए भी और हमारे लोगों के लिए भी, राइट। लाइक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सोशल रिफॉर्म स्टार्ट करे, उन्होंने सती को बैन कर दिया, साथ ही साथ फीमेल फिटिसाइड भी बैन कर ली उन्होंने कि हम अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बेटा हो या बेटी हो पैदा होने दो, फीमेल जेंडर टेस्ट नहीं होंगे, राइट। लाइकवाइज सती प्रथा इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सजेशंस माने और ये प्रैक्टिस बैन कर दी। साथ ही री मैरिज ऑफ विडोज वर अलाउड है ना 1856 से। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रमोटेड। तो इन सब की वजह से इंडियंस को लगा कि ये तो हमारी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज है और इसको ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। चाहे अच्छे के लिए ही था, पर हमारे अंदर तो वो ग्रीफ और वो पेन हो रहा था कि हमारे रिलीजियस वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ करने के लिए ब्रिटिशर्स कौन होते हैं। लाइकवाइज आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली इन इंडिया। उनको लैंड और प्रॉपर्टी ओन करना अलाउ कर दिया गया। एक ऐसा लॉ बनाया गया जिससे इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना इजी हो गया। तो इन सब से ये फीलिंग आने लगी कि अब इंडिया का रिलीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है वो ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, है ना। इट अगेन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 1857 रिवॉल्ट। We are almost done with the causes and we will discuss the immediate cause in the next class. Till then, be healthy, be safe. Goodbye.